फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑनेस्ट रिएक्शन। माय नेम इज भवेश। मेरा नाम है जगदीश। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं कराची किंग्स के एंथम। हमने वो अपन ने आतिफ का देखा था ना, जो PSL का एंथम था। PSL का तो कमेंट बॉक्स में मोहसिन भाई ने एक रिक्वेस्ट भेजी थी मेरे को कि और जो टीमें हैं उनकी पर्टिकुलर उनकी सेपरेट जो एंथम है वो भी आप देखिए। तो ओके, सबको अपनी अपनी टीम फेवरेट होती है। PSL में किसी की कराची होगी, किसी की इस्लामाबाद होगी, और कौन सी है, पेशावर है, मुल्तान है ना, अलग अलग टीमें हैं। तो अब सबसे पहले जो वीडियो है वो कराची किंग्स एंथम हम देख लेते हैं ना, वो कैसी बनी है। उसके बाद हम सब एंथम देखेंगे ओवरऑल सारे वीडियोस करने के बाद। उसके बाद हम लास्ट में बताएंगे कि हमें सबसे फेवरेट कौन सी एंथम लगी है। वैसे कोई भी एंथम बनाने में उसकी टीम काफ़ी जोर लगाती है, पर कोई ना कोई बेस्ट तो निकल ही जाता है, कोई ना कोई आगे निकल ही जाता है। चलो देखते हैं। वैसे सबसे अच्छी टीम कौन सी है, जैसे कि अगर IPL की बात करें तो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमें आगे रहती है ना। तो PSL में टॉप पे कौन सी टीम रहती है हमेशा, वो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बताना। ओके, तो भाव शुरू करो। से निकली है आंधी है, सुन मेरी जानिए कराची है, तूफानों से निकली है आंधी है, कदम जमा के खेल जा, बल्ला इस तरह घुमा, बल्ला घूम जाएगा तो जाएगा ये लग पता, कराची शहर के खिलाड़ी हम, हमारा सबसे जानिए कराची है, सच बोलो तो ले रहे ही काफी हैं, ये जज्बे अलग हाँ जज्बाती से खड़े मैदान में शहर ये छाती पे, इस खेल का शेर कौन, बॉन रेडी जानी गेम ऑन, दिलों पे राज कर रहे कौन, क्लीन बोल्ड अपनी टीम स्ट्रॉन्ग, ये हौसले बढ़ते क्या ख्वाबों से बढ़ के, एक ही इतना तभी सारे डरते हैं, रंगजात के लोग यहाँ साथ चलते, पत्थर दिल वाले भी हम पे पिघलते, खेलोगे दिल से तो जानोगे, गिल्ले उड़ा देते सारोगे, बाबर आजम कैप्टन ने क्या बोल डालोगे, दौड़ोगे सारे पर कितना ही भागोगे, जान की बाजी लगा देंगे, हवाओं की बातें समझा देंगे, बाजी है उल्फत भी जीतने के आदि, ये है कराची, हम है कराची, हम है कराची, मैं हूँ कराची, ये है कराची, कराची की है शान हम, अवाम की है जान हम, कराची दिखाएं ऐसा खेल के, बढ़ाएं सब कमान हम, ये है कराची, हम है कराची, हम है कराची, मैं हूँ कराची, Okay, तो ये था वीडियो। हाँ बाबू, कैसा लगा बताओ? काफी अच्छा लगा। अच्छा, सुनने में काफी अच्छा लग रहा था। और बीट भी काफी अच्छी थी। क्या अच्छी थी बीट? बीट ओके। तो ये था सॉन्ग कराची का है ना, कराची जो टीम है उसका ये एंथम सॉन्ग था। असीम अजहर ने गाया है ना ये, और इसमें वसीम अकरम भी दिखे हमको, तो शायद मेंटोर होंगे इस टीम के, और इस पाकिस्तान टीम के जो कैप्टन है बाबर आजम वो भी कराची में ही है ना, तो मेरे हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम होगी कराची भी है ना। तो ये जो एंथम सॉन्ग था ये वाकई में एक वो कहता है ना जोश बनने वाला था ना, अगर कोई टीम अगर चीयर कर रही है उस टीम को सपोर्ट कर रही है तो ये गाना वाकई में अच्छा है कराची। अब बाकी के सॉन्ग हमने सुने नहीं है
तो अभी तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा कि कौन सा गाना अगर सुनने में एक बार मैं अच्छा लगे, तो अभी यहाँ फर्स्ट ये सॉन्ग सुना है जो PSL का एंथम था, वो वाकई में काफ़ी अच्छा था, और ये भी सॉन्ग काफ़ी अच्छा है। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कौन सा गाना अच्छा लगा, PSL एंथम या कराची का, है ना। और जो कराची टीम को सपोर्ट कर रहे हैं वो एक्चुअल में देखिए, जो बाबर आजम के फ़ैन होंगे उनको भी कराची टीम अच्छी लग रही होगी ना। तो सॉन्ग काफ़ी अच्छा है, PSL चल रहे हैं अभी, है ना, रनिंग कर रहे हैं, तो के अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पे देख नहीं पाते हैं इंडिया में। बाकी आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे कोशिश करें तो शायद देख पाएंगे ना। तो अगर आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना हम कैसे देख पाएँ उन मैचों को जो अभी करंट में चल रहे हैं लाइव, मैं लाइव की बात कर रहा हूँ, नॉट अब बाद में, क्योंकि कोई भी मैच होता है वो लाइव देखने का ही मज़ा होता है, क्योंकि उसके बाद रिकॉर्डेड कोई भी मैच होता है तो वो उतना इतना मतलब उसमें उतना क्रेज़ नहीं रहता उस मैच को देखने का, क्यों भाव। तो फ्रेंड्स, और भी वीडियोस हैं, और भी एंथम है, नेक्स्ट वीडियो में हम उनको भी देखेंगे, और लास्ट में हम बताएंगे कि हमें कौन सा सॉन्ग जो हमें अच्छा लगा। देखिए, सबकी पसंद अलग होती है, अगर हमें जो अच्छा लगा ये ज़रूरी नहीं है कि वो किसी और को अच्छा लगे, लेकिन ओवरऑल एक पसंद होती है, ओवरऑल जो सबको अच्छा लगता है, वैसे एंथम सबको सुनने के बाद हम अपनी राय दे पाएंगे जो भी है। फिर भी वी आर नॉट एक्सपर्ट अबाउट म्यूज़िक, लेकिन फिर भी अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पहली नज़र में देखें तो गाना काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छी एंथम थी। तो अब बाबू बाबर आजम का फ़ैन है तो मेरे हिसाब से कराची को सपोर्ट करेगा बाबू। अब मैं और भी क्या प्लेयर देखूंगा, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल प्लेयर दिखे नहीं अभी तक, है ना, और मेरे हिसाब से दिखते भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक अगर कोई कैप्टेंसी कर रहा है, कोई लीड क्या प्लेयर हो फॉरेन का, जो ओवरसीज़ प्लेयर्स आते हैं लीग खेलने के लिए, तो उनको भी देखना चाहूँगा मैं, अगर एंथम सॉन्ग में है वो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, क्यों भाव। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और भी कोई अच्छे वीडियोज़ हों रिगार्डिंग पाकिस्तान, कुछ भी हो, नॉट नॉट अबाउट क्रिकेट, समथिंग एल्स, कुछ भी हो, तो वो भी आप प्लीज़ हम मेरी इंस्टा आई डी पर आप सेंड कर सकते हैं, डेफिनेटली वी विल रिप्लाई। आप भाव की आई डी पर भी भेज सकते हैं, भाव फॉर भावेश फ्रॉम कुड़ी जमकुड़ी। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और बने रहिए हमारे साथ में, आपका वैसे भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है। वी हैव रीच्ड 9,000 सब्सक्राइबर्स, नो नॉट फैमिलियर, 9,000 लोगों की फैमिली है हमारी, तो उसको हम और आगे बढ़ाते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए हमारा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बाय।